किसान भाइयों, गन्ने की फसल में जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी है वो है टॉप बोरर। अगर गन्ने में थ्रिप्स लग जाता है वो भी दवाओं से ठीक हो जाता है। गन्ने में अगर कोई और बीमारी आ जाती है, मिलीबग लग जाता है, वो भी दवा लगते ही ठीक होना शुरू कर देता है। एक स्प्रे में नहीं, दो स्प्रे में खेत सुधर जाता है। लेकिन अगर खेत में टॉप बोरर लग जाए, सुंडी लग जाए, तो किसान भाइयों खेत बहुत ही लेट जाके संभलता है और किसान की जितनी मेहनत होती है वो सारी बेकार हो जाती है उस टाइम तक की। चाहे उस फसल को 1 महीना हो गया हो, 2 महीना हो गया हो, जितना भी गन्ना है वो सारा ऊपर से खराब हो जाता है, बीच में सुंडी घुस जाती है। और अगर फसल छोटी है तो नीचे से दूसरे किल्ले निकलने शुरू होंगे, और अगर बड़ी फसल हो गई है तो गन्ना वहीं पे रुक जाता है और किसान नुकसान में पहुंच जाता है। इसी डर के चलते पिछले कई सालों से दुकानदारों ने भी किसानों को बहुत लूटा, महंगी महंगी दवाएं दी। जहां दो दवाएं काम कर सकती थी वहां चार चार पांच पांच दवाएं दी, और उसके बावजूद भी जो खेत है वो अपना पूरा समय लेता है सुधरने में, लेकिन किसान डर जाता है और इस डर का फायदा उठा के किसान का बहुत नुकसान करा जा रहा। किसान साथियों, ये तो बिल्कुल सच है कि सारा खेल गन्ने की इम्यूनिटी का भी आ चुका है, क्योंकि 0238 सभी क्षेत्र में बोया जा रहा था, पूर्ण रूप से बोया जा रहा था और कोई वैरायटी नहीं थी इसके चक्कर में। तो जब इसमें रोग आया, सारे के सारे खेत एक साथ बैठने शुरू हुए और आज किसान परेशान है, क्योंकि अभी किसानों ने नई वैरायटियां लगानी ही शुरू करी हैं। समय लगेगा थोड़ा सा और 1-2 साल और 0238 बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, और इसको समाप्त करने का समय आ भी चुका है किसान भाइयों। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे भी किसान हैं जो पिछले 2-3 साल से अब भी बहुत अच्छी फसल ले रहे हैं, और किसान भाइयों यकीन मानिए उन्होंने कभी भी महंगी दवाई नहीं करी, कभी भी चार चार दवाई नहीं करी, कभी भी एक्स्ट्रा कोई खर्च नहीं करा टॉप बोरर के लिए कि भाई बहुत महंगी महंगी दवाई ले आओ या बहुत महंगे महंगे स्प्रे करो। उनका सीधा और सच्चा और सरल तरीका है, जो दवा बाज़ार में आसानी से मिलती है, जो दवा बाज़ार में सस्ती मिलती है, उन्हीं का वे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उन्होंने अपना एक नियम बनाया, और मैंने खुद ऐसे किसान देखे हैं जिन्होंने सिर्फ लीथल सुपर, जिन्होंने सिर्फ क्लोरोसाइपर के दम पे अपने खेत बचा लिए, उन्होंने दवा भी नहीं बदली। लेकिन नियम क्या है कि हर 15वें दिन, हर 20वें दिन, यानी 15 से 20 दिन के बीच में 500 से 600 ml दवा ली और बिना रोग आए अपने खेत में स्प्रे कर दी। चाहे उन्हें 8 स्प्रे लगानी पड़ी, लेकिन किसान भाइयों वो लगातार एक ही दवा का स्प्रे करते चले गए, और आप यकीन मानिए उनका गन्ना बिल्कुल ठीक खड़ा है। स्थिति कुछ ऐसी है किसान भाइयों के, 0238 में जब रोग आ जाता है तो वो रुकता नहीं, और अगर सुंडी लग जाती है तो वो मरती नहीं, और किसान रोज खेत में जाता है कि मैंने कल ये दवा डाल ली थी, लाभ नहीं पहुंचा, अगले दिन दुकान वाले के पास पहुंचेगा वो कुछ और दवा देगा। इसी के चलते किसान का नुकसान होता रहता है, और जब सुंडी अपना समय पूरा कर लेती है वो तभी मरती है। सारी दवाएं डाल के देख ली, वो बिल्कुल भी नहीं मरती। किसान साथियों, इसका सिद्ध और सरल उपाय ये है, अगर आपके खेत में 0238 में सुंडी लगी हुई है, टॉप बोरर लगा हुआ है, खेत खराब है, तो किसान भाइयों हर 10वें दिन, जब तक आपका खेत नहीं सुधरता, उस पे 10 दिन के अंतराल पे सिर्फ एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो सस्ती दवाओं का स्प्रे करो। उसमें लीथल सुपर कार्टअप हो सकता है, उसमें प्रोफेनाफोस कार्टअप हो सकता है, उसमें इमिडा फिप्रोनिल का जो कम्बिनेशन आता है उसके साथ कार्टअप हो सकता है। 500 ml लिक्विड वाली दवाई ले लो, 200-250 ग्राम कार्टअप ले लो और किसान भाइयों स्प्रे कर दो। अब स्प्रे के बारे में कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई इतनी स्प्रे कहाँ तक लगाएं, बहुत खर्च होगा। देखो, मेहनत करनी पड़ती है किसान भाइयों, जब तक 0238 है मेहनत करनी पड़ेगी। किसान साथियों, केवल 5 बीघे में 5 से 6 ही टंकी लगनी चाहिए। अगर आपके पास प्रेशर वाली इंजन वाली मशीन है तो 1 बीघे में एक ही टंकी लगेगी किसान भाइयों, पूरा प्रेशर खोल के
आप करते जाइए, एक बीघे में एक ही टंकी का औसत आना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा 5 बीघे खेत में 6 टंकी। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का समय लगता है किसान का। और किसान भाइयों, एक चीज़ और समझाने की कोशिश मैं करता हूँ, आप देखिए, ड्रोन से जब स्प्रे होती है, पूरे 5 बीघे में केवल 10 लीटर 15 लीटर पानी से ही वो स्प्रे कर देते हैं, और रिजल्ट उसके भी आते हैं। क्योंकि जितनी भी दवाएं हैं, ये जो सस्ती दवाएं मैंने आपको बताई है, ये भी सब सिस्टमिक दवाएं हैं। काटअप और ये जो लीथल सुपर आती है या हमला आती है, ये भी सिस्टमिक दवा है, पौधे के सिस्टम में जाके काम करती है। 12-13 दिन के बहुत 15 दिन के अच्छे रिजल्ट देती है। जितने भी अंडे हैं उनको मारने की क्षमता रखती है, जितना भी थ्रिप्स है उसको मारने की क्षमता रखती है, दोनों दवाएं। और किसान भाइयों, अगर आपके पौधे पे सिर्फ एक बार हल्का सा भी छिड़काव या छींटा आ गया, तो उसको 15 दिन की प्रोटेक्शन मिल चुकी है। ऐसा नहीं होता कि आप ज़्यादा पानी लोगे और पूरा धो दोगे गन्ने को, तभी वो दवा असर करेगी। उल्टा, और दवा की जो सांद्रता है, जो पावर है, वो घटती है। जितना कम पानी लोगे उतना ही अच्छा है। और किसान भाइयों, 15-20 दिन के अंतराल पे एक दवा का, सस्ती दवा का छिड़काव करते रहे, यही सीधा सरल सच्चा रास्ता है। अगर खेत में रोग आ जाता है तो उसको ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल है। और किसान भाइयों, एक चीज़ और, मान लीजिए आप इस तरीके से स्प्रे कर रहे हो और रोग आने का समय आ गया, या रोग आपके खेत में चालू भी हो गया थोड़ा सा, तो वो वहीं रुक जाएगा। अगर कुछ क्षेत्र में सुंडी लग गई, वो वहीं रुक जाएगी। अब एक सवाल इस बात में और भी उठ सकता है, कई किसान ये भी कह सकते हैं कि मनोज भाई, खर्च ज़्यादा आ जाएगा या कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करें। जैसे मैंने 2-3 कम्बिनेशन तो अभी बातों ही बातों में बता दिए। जो भी 1000 रुपये लीटर तक की दवा है, वो चाहे मार्शल के नाम से हो, जिसमें कार्बोसल्फान है, वो इमीडा फिप्रोनिल का कम्बिनेशन हो, वो लीथल सुपर प्रोफेना फोस, वो किसान भाइयों, कोई भी दवा हो, सारी की सारी दवाएं लगभग सभी बीमारियों में काम करती है। और आप इनमें से किसी का भी चयन करके स्प्रे लगा सकते हैं और अपने खेतों को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, अब आते हैं खर्च पे। अगर आप खुद थोड़ी सी मेहनत करते हैं और स्प्रे करने का दम रखते हैं, तो किसान भाइयों, एक स्प्रे में ज़्यादा से ज़्यादा 500 ml दवा लगेगी, 600 ml 400 रुपये की दवा, और 200 ग्राम काटअप लगा लो, उसमें 1000 रुपये के अंदर ही वो स्प्रे होगी 100%। किसान भाइयों, जब तक 0238 है, ये प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ऐसे अंधाधुंध स्प्रे करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन जिस किसान का खेत बिगड़ता है ना, उसी को पता है कि उसके दिल पे क्या गुजरती है। उसका सारा खाद खराब होता है। पिछले 3 साल से किसान बहुत परेशान है। प्रैक्टिकल के आगे सारी थ्योरी फेल होती है किसान भाइयों। ये मैं कुछ किसानों को देख के, समझ के और प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि एक दवा का चयन करके कुछ किसानों ने लगातार स्प्रे करे, उनका गन्ना अच्छा निकला, बजाय इसके कि किसी ने महंगी महंगी दवाई करी। जैसे मैंने बताया, चाहे हल्का सा भी छींटा आ जाओ, 5-6 टंकी ही लगनी चाहिए खेत में। फुहार भी लग जाती है तो भी रोग आपके खेत में नहीं घुसेगा। किसान भाइयों, 20वें दिन स्प्रे जरूर लगाते रहो, 7-8 स्प्रे लेंगे और अगले साल 0238 को ख़त्म करो, और कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद।